हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी सुबह की बज रही हैं 10, तो मैं भी आज मॉर्निंग टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग में कुछ नया लेके आई हूँ, क्योंकि ब्लॉग का नेम ही ऐसा है, हैप्पी एंड हेल्थी। तो हैप्पी एंड हेल्थी कैसे रहा जाता है, इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। हैप्पीनेस क्या चीज़ होती है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हैप्पी कैसे रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, सुख सुविधा साधन जो भी होते हैं वो सब उसके पास थे, लेकिन उसको खुशी नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो वो दर बदर भटकता रहा खुशी की तलाश में, कि कहाँ से मुझे खुशी मिले। तो वो इधर उधर भटकने लगा। तो किसी ने बताया कि आप हिमालय पे चले जाओ, वहाँ पे साधु रहते हैं, तो अब वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, या कोई ऐसा विशेष आपको कुछ बता सकते हैं जिससे आप हैप्पी रह सकते हैं। तो साधु के पास गया, तो साधु ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि मेडिटेशन कीजिए, और जंगल में जाइए या कहीं भी एकांत जगह में जाइए और मेडिटेशन कीजिए। तो साधु ने उनको ऐसे बताया, तो वो जंगल में गए, तो उन्होंने और इस तरह से वो व्यक्ति ध्यान में लीन हो गए, मेडिटेशन शुरू किया। तो मेडिटेशन से उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने एक दो दिन किया मेडिटेशन। फिर वो घर भी उनका नज़दीक था, तो वो घर जाते थे, फिर वापस मेडिटेशन करने आते थे, फिर जाते थे। मेडिटेशन करके उनको अच्छा लगा, तो वो कुछ दिन उन्होंने मेडिटेशन किया, लेकिन उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनको मेडिटेशन से भी कोई खुशी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक तो दोस्तों, अब मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे हैप्पीनेस पाई जाती है। हुआ कि जंगल में भेड़िया और एक शेर था। तो अचानक क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक भेड़िया है जिसके पाँव में चोट लगी है और वो चल नहीं सकता है। तो जब पाँव में चोट लगी होगी तो वो खाना भी नहीं ढूंढ पाएगा अपने लिए भेड़िया। तो भेड़िया चुपचाप बैठा रहा, कई दिन तक इंतज़ार करता रहा। तो शेर आया, तो शेर उसको खाना देकर जाता, शेर उसकी मदद करता और उसके लिए खाना देकर जाता। डेली ऐसा होता गया। तो वो व्यक्ति भी ऐसा देखता रहा कि जब भेड़िए के लिए कोई खाना देने आता है तो मेरे लिए भी कोई खाना दे के जाएगा, तो क्यों ना मैं जंगल में ही रहूं। तो जंगल में ही ऐसे रहा, फल फूल खा के थोड़ा पेट वेट भरने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु। फिर भगवान जी के पास जाते हैं, वो साधु कहते हैं कि भाई, जब भेड़िए के लिए आपने खाने की व्यवस्था करी थी, शेर उसके लिए लेके आया था, तो आपने मेरे लिए क्यों नहीं व्यवस्था करी खाने की, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की? तो भगवान कहते हैं कि आपने क्योंकि खुद को भेड़िए की जगह रखा, मतलब आपने खुद को भेड़िए की कैटेगरी में रखा, आपने खुद को भेड़िए की कैटेगरी में रखा कि कोई मुझे खाना दे और तब मैं खाना खाऊंगा, ऐसा आप सोचा। आपने खुद को शेर की कैटेगरी में नहीं रखा कि शेर उसको लाके देके उसको हेल्प कर रहा है, तो आपने खुद को उस कैटेगरी में रखा, इसके लिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे? इस कहानी का मीन्स ये है कि अब जब आप किसी को देने की सोचते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग्स आती हैं, हैप्पीनेस महसूस होती है, लेकिन उसने खुद को भेड़े की कैटेगरी में रखा और एक्सपेक्ट किया दूसरे से कि कोई मुझे खाना लाकर दे, तो उसमें हैप्पीनेस नहीं होती है दोस्तों। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तो फिर आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। आप दूसरों को हेल्प करके या किसी भी तरह से आप हैप्पीनेस पा सकते हैं, लेकिन खुशी का नाम होता है देना, लेना नहीं। और दोस्तों, मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने, फिर मिलते हैं आपसे, बाय। तो दोस्तों, अभी मैं मार्केट से आ चुकी हूँ सब्जी लेके, और अभी बना रही हूँ मैं लंच, और स्कूल से आने वाले हैं बच्चे, उससे पहले ही मैं आ चुकी थी और मैं लंच बनाने वाली हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़े के साथ। और दोस्तों, ये गाढ़ी सब पसंद करते हैं, इसमें ज़्यादा मैंने पानी नहीं मिलाया है कढ़ी, और इसमें चावल। आज सिंपल सा बनेगा कढ़ी और चावल।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।